अरे तो मैच जीत रहे थे, जीतते जीतते हार गए बबू। जेस्टर्स होते हैं जो अपने पार्टनर को शो कर सके, जिससे उनको पता चलता है कि यार अब वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और चीज वगैरह और विंग्स वगैरह सारे फ्रेश बन रहे हैं, तो वो देख के यार अब भूख और भी ज्यादा लग गई है। इतना बड़ा ट्राइपॉड लेके जाना वो अच्छा सही से नहीं लगता, मतलब इस तरफ टोटल रात है और इस तो हल्की की सुबह हो रही है, पर वो जो सुबह हो रही है ऐसे लग रहा है कोई सैंड स्टॉर्म आ रहा है। दुबई में जो आते हैं उस तरह का सैंड स्टॉर्म आ रहा है यहाँ पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम टू व्लॉग, इट्स अ ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू व्लॉग। अभी वो पुराना वाला व्लॉग खत्म किया और अभी नया वाला व्लॉग शुरू किया है फौरन ही। रात में क्या हुआ कि मैं 5 मिनट के लिए लेटा के पावर नैप ले लूँगा और उसके बाद ऐसी कमाल की नींद आई कि बस अभी आपके लिए अभी बस ऑफिस निकल रहे हैं। यार पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं यार, पर प्रॉपर फॉग शॉग और उस तरह का सीन हुआ है यार, मतलब कोई जैसे हॉरर मूवीज में सीन नहीं होता उस तरह का सीन हुआ है। बिल्कुल फॉग और वो लाइट से ऐसे टकरा के बादल नीचे आए हुए हैं, दूर दूर तक वो स्ट्रीट लाइट से नीचे फॉग नीचे आ रही है। फ्यूल की प्राइस भी 3 पेंस नीचे आ चुकी है, जब हम आए थे तो £1.69 थी, अब £1.66 है। बिलीव इट और नॉट, वो जो सामने आसमान पे एक लाइट नज़र आ रही है ना, वो चांद है। अब वो कैमरे में किस तरह का लग रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। आज यार ब्रेकफास्ट में क्या मज़े का सीन हो रहा है, पराठे शराठे एंड ऑल दैट। आज हमारे पास नाश्ते हैं पराठे और वही धनिया वाला ऑमलेट और साथ में पराठे, मतलब पराठा सैंडविच। यार एक तो ये ट्राइपॉड दोबारा से लेना पड़ेगा नया। एक तो मैंने इसको जुगाड़ बनाया था, वो अपना पहला ट्राइपॉड और ये वाला ट्राइपॉड मिक्स करके छोटा वाला बना दिया था ताकि वो कन्वीनियंट रहे, क्योंकि इतना बड़ा ट्राइपॉड लेके जाना वो अच्छा सही से नहीं लगता, मतलब ये बस टोटली फारिग हो गया। अब ये वाला मैंने 2 ट्राइपॉड्स को जोड़ के जुगाड़ लगाया हुआ था, क्योंकि इस साइज़ का ट्राइपॉड जो है वो आता नहीं है, वैसे इतना स्ट्रॉन्ग वाला स्टडी वाला आता नहीं है, और वो बड़ा वाला ट्राइपॉड लेके फिरना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो टू हैवी हो जाता है और फिर वो ओवरवेलमिंग सा हो जाता है। तो ये जो था इजीली हैंड ग्रिप में आ जाता था। क्या अब सोनी की ग्रिप भी आई है जो कि स्पेशली व्लॉग्स के लिए है, वो भी देखते हैं, उसको भी आज रिसर्च करते हैं उसके बारे में, और अगर नहीं तो फिर इस तरह का एक ट्राइपॉड ले लेंगे और उसको जो गाड़ करके काट कूट के बस इस साइज़ का कर देंगे। फिलहाल नाश्ता करते हैं यार, पराठे ब्रेकफास्ट चाय शाय और ये मौसम। यार ऊपर वाले का बहुत शुक्र है यार। यार इंसा 360 1X2 लेने का मैं सोच रहा था, ऑलमोस्ट लेते लेते रह गया यार, अभी अभी पता चला कि इंसा 360 1X3 आ गया है, और वो उससे बेटर सेंसर, बेटर डिस्प्ले स्क्रीन और वो सारा कुछ है। इंसा 360 कैमरा, मतलब 360 कैमरा के वर्ल्ड में मैं एंटर होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो 360 व्यू है, मतलब कैमरा ऐसे पकड़ लो और चारों तरफ से रिकॉर्ड होता रहेगा, विच इज़ इनसेन यार, मतलब बड़ा मज़े का सीन है। तो वो वाला तो डेफिनेटली हम लोग लेने वाले हैं, लेकिन अभी जो लास्ट वाला सीन आपने देखा जिसमें ब्रेकफास्ट हो रहा था, उसके और इस सीन के बीच में 6 आवर्स का गैप है, क्योंकि काम के बीच में पता ही नहीं चला, ऐसे चुटकी बजाते सारा टाइम गुजर गया। अब लंच का टाइम, और लंच के लिए हमारे पास है मैंने सोचा बूबू को ज़्यादा तंग नहीं करते लंच के लिए, लंच के लिए वो जो बेक की थी फिश और साथ में पोटैटोज वगैरह वही सब लेके आ गया, और इसकी क्या खुशबू आ रही है यार, मतलब वो लेमन वाले फ्लेवर और वो पेपर वाले मज़ेदार सीन होने वाला है। ऐसी लग रही है फिश और बेक पोटैटो वाली प्लेट, साथ में छोटी वाली स्प्राइट जो कि मोहितो के लिए लाए थे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। व्लॉग के पब्लिश टाइम को लेके मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले पोल किया था, जिसका रिजल्ट था कि जब भी आए बस डेली व्लॉग आना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे 15:15 यूके टाइम एवरी डे व्लॉग आ जाए करे। तो अब से जो हमारा रेगुलर टाइम है वो 15:15 है। घर के ब्रॉडबैंड की स्पीड और जो यहाँ के हॉटस्पॉट मेरे मोबाइल पे चलता है उसकी स्पीड काफ़ी फ़र्क है, तो हो सकता है कि व्लॉग थोड़े ऊपर नीचे हो जाए टाइम में, लेकिन एक बात की गारंटी कि व्लॉग जैसे डेली आ रहे हैं तो उसी तरह व्लॉग डेली आते रहेंगे। अब इस बात पर एक लाइक करो वीडियो को ताकि एल्गोरिथम में हेल्प हो और हमारे चैनल की ग्रोथ हो और ऑडियंस आए और फैमिली बढ़े, मतलब यही तो चाहते हैं हम सब। क्यों यानी अभी अभी देखा बीबू ने ये वाली जो पीनट थी ये भी मुझे साथ ही ऑफिस दे दी, अब एक नई चीज़ है तो अब कोई नई चीज़ है तो बूबू के साथ ही ट्राई करने का मज़ा आएगा, तो इसको अभी रखते हैं घर जाके बूबू के साथ ही खाएंगे। अच्छा लगता है यार ये छोटे छोटे जेस्टर्स होते हैं जो अपने पार्टनर को शो कर सकते हो, जिससे उनको पता चलता है कि यार अब वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह वाइस वर्सा चलता रहता है, मतलब इतनी इतनी एफर्ट्स लगाते रहना तो यार रिलेशन बेस्ट चलते हैं।
और ऑब्वियसली मतलब ये छोटी सी चीज़ थी, उसने मेरे लिए रख दिया ऑफिस में कि मैं वहाँ पे एंजॉय कर लूँ, बट मेरा दिल किया कि यार मैं घर जाके बूबू के साथ आराम से एक नई चीज़ है तो उसके साथ ही एक्सपीरियंस करूँ। छोटी सी बात है बट आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, मतलब आप लोग तो फैमिली हो ना। तो गाइस, तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं और रास्ते में कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैच चल रहा है फाइनल पाकिस्तान का और पाकिस्तान और श्रीलंका का। ओह शिट, ये क्या हुआ है? 7 आउट, ये क्या हुआ है? ये तो हार गए, 51 चाहिए 13 बॉल्स में, ऑब्वियसली हार गए यार। मतलब अगर अरे तो मैच जीत रहे थे, जीतते जीतते हार गए बूबू। कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीलंका, पाकिस्तान वेल प्लेड भी नहीं कह सकते यार, कबाड़ा कर दिया यार। शुरू में वेल प्लेड बट एंड में कबाड़ा कर दिया। बट एशिया कप गोज टू श्रीलंका। यार अब मैच तो जीत नहीं सके, लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि एल्गोरिथम में हेल्प हो और थोड़ा सा चैनल ग्रो करे यार। श्रीलंका वाले सारे इस वीडियो को लाइक करो और दुख मनाने दो यार जरा। बाय द वे बूबू ने ये जो है इसको रिंग लाइट को जोड़ दिया है, थोड़ा बहुत टेम्पररी जुगाड़ लगा के, पर यहाँ से स्टील टूटी हुई है। मैं कुछ आज देख रहा था अमेजोन वगैरह पे लाइट्स वगैरह, तो बहुत जल्दी उसको भी ऑर्डर कर देंगे। वाओ, यू लुक सो प्रीटी, रेडी हो गए? अब ये बूट लेके आओ। तू रेडी हो गई? ओह वाओ, न्यू शर्ट, न्यू वाली शर्ट, नाइस। अरे तुम रेडी हो गए हो? नहीं कुछ, मामा रेडी हो गई? हाँ जी। चले चले, तेरी रिकमेंडेशन पे जा रहे हो उधर वो रोड हाउस ग्रिल पे। क्या खाया वहाँ से? खाना क्या वहाँ से? अब शेख ने इतना ज्यादा फोर्स किया तो वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे पार्किंग क्या है सामने ठगी? मैंने देखा मैप पे तो वो तो कोई नहीं है सीन वहाँ पे। पार्किंग बिल्कुल बिल्कुल उसके जब तू जा रहा होगा ना, तेरा मुंह मेरे घर की तरफ होगा। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो रोड जा रही है ना, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है। गाड़ी अंदर जो जा रही है रोड, लेफ्ट साइड पे जो रोड है ना वो फ्री है सारी पार्किंग। अच्छा चलो, पार्किंग का भी टेम्परेरी जुगाड़ हो गया, अभी बस निकलते हैं। नहीं आज संडे को आयश, अब अकेले नहीं आ सकते लिफ्ट में। भाग के आगे कदू, मुझे कैमरा ऑन करने के तक का टाइम नहीं मिला और भाग के सबसे पहले ये देखो लिफ्ट में पहुंचा हुआ। मैं लिफ्ट में बड़ा डरती हूँ, कुछ नहीं करो। ऐसे लोग जैसे छोटू पिद्दू, सबसे छोटा देखो नीचे, वो उसकी सरप्राइज में हम सारे खड़े रह गए, किसने दबाया नीचे जाने के लिए। ये मेरा न्यू वाला बैकपैक दिखा, बूबू को जो गिफ्ट मिला था ये मुझे लटका के फिरना पड़ता है, बेबी के सामान शमान एंड ऑल दैट। अरे जी आप क्या कर रहे हो? हाँ यार इधर जाना है हमने, लेकिन यहाँ पार्किंग का मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है यार। तो ये वाला रेस्टोरेंट है रोड हाउस ग्रिल करके इसका नाम है, यहाँ पे शेख ने रिकमेंड किया है, अभी जाके अंदर देखते हैं सीन क्या है और उनका खाना कैसा है। यार डेकोर तो इन्होंने अच्छा किया हुआ है, प्रॉपर वो दुबई का जो लास्ट एग्जिट था। क्यूट, हाँ मजे की चीज़ है। लेकिन दोनों लड़कियाँ क्यों हैं? यार भी मैं उनसे पूछने गया कि यार यहाँ पे इतना सारा टाइम क्यों लग रहा है, तो मुझे अपने किचन में लेके गए और उन्होंने सारा दिखाया कि यार सब कुछ फ्रेश बन रहा है, वो पैटीज वगैरह और विंग्स वगैरह सारे फ्रेश बन रहे हैं। तो वो देख के यार अब भूख और भी ज़्यादा लग गई है, कांट वेट। तो बैठ के बर्गर बनने का वेट कर रहे हैं, अंदर चलते हैं देख के आते बर्गर बनते कैसे। सबसे पहले कौन सी सॉस है इसमें? ये टॉपिंग बन रहा है, तैयार हो रही है। ये कौन सा है? ये टॉपर। तो ये वाला डबल चीज बर्गर, गवर्नर बर्गर और टॉप गन बर्गर और विंग्स, ग्रिल्ड विंग्स, पेरी पेरी फ्राइज। बस अब जल्दी से शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा रह गया,
पिज्जा आ गया यार। अब मामा ने तो बैकआउट कर लिए, तो अब इन तीनों में से कोई एक चूज करना है। बहू कौन से लोगी? ट्राई तो करें। तो सबसे पहले गवर्नर ट्राई करते हैं। It's dripping. और आप डबल चीज भी ट्राई कर लेते हैं। जो डबल चीज़ है ये मैकडोनल्ड का बेटर वर्जन है। जो गवर्नर है वो टर्की रैशेस के साथ आता है, तो उसमें उसका टेस्ट आता है। और जो स्पाइसी वाला है वो टॉप गन। अभी तक मुझे लगा है कि मेरे लिए जो मेरे स्पाइसी टेस्ट के मुताबिक टॉप गन बेस्ट है। बाकी यार बहुत सारे बर्गर हैं इनके पास और विंग्स इनके सुपर स्पाइसी हैं। उसकी वजह से मुझे अभी तक वो मसाला फ्राइज याद है पाकिस्तान वाले। कोई बात नहीं, ले जाएंगे आपको। बर्गर ख़त्म करते करते उनका रेस्टोरेंट क्लोज हो रहा है। आरिफ डर रहा है कि यार हमें अंदर ही ना बंद करें। अबीरा भी डर रही है। बॉक्सेस की जो क्वालिटी है यार, मतलब और उसके पीछे जो साइंस है, मतलब आप एक स्लिप ना हो उसके लिए उन्होंने ये होल्स बनाए हैं, जिससे आपका बर्गर जो है वो कैद रहेगा। यार भैया भूल ही नहीं है, मतलब जहाँ मर्जी उसको बर्गर शर्गर खिला दो, उसकी जो अपनी चीज़ ही है ना वो नहीं छोड़ती है। और इसने आज मंगवाई हुई थी, क्या मंगवाया था? मिकाडो स्टिक्स। अब वो मिकाडो स्टिक्स लिए बगैर जान नहीं छोड़ेगी। क्या कि वो मिकाडो स्टिक्स लेने आए थे वो मिली नहीं है। अब बुबू ने अपनी शॉपिंग शुरू कर दी है। यार बुबू मूवी शूवी देखते हैं घर जाके। यार मूवी की पॉपकॉर्न। ओ एक बिस्किट लेने आई थी, ये सारा ले लिया तुमने है? मैंने लिया। ये गाना गाए? हाँ। कैंडी और डीसी जानता क्या याद है, आए पसंद मैनू विदा सा याद है, या ताया पीछे तो मैंने किए याद है, वो दे पता है को गा। कितनी तेज है मूवी वो गा रही है, कैंडी और डीसी चंद तक राह बना दे। घर पहुंच चुके, क्या मज़ेदार किस्म के बर्गर थे यार। वैसे पहले भी दिन बड़ा मज़े का गुजरा, आज वो कुछ दिन होते हैं ना जब एंड होते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि यार पूरा सेटिस्फैक्ट्री वाली फीलिंग अंदर से आ रही होती है, मतलब सब पॉजिटिव अच्छी वाली फीलिंग। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था, तो आज का दिन यहीं पर एंड करते हैं। आप प्रीटी श्योर कि यार आपको ये वाले व्लॉग्स जो डेली लाइफ के हैं आपको पसंद आ रहे होंगे, और मज़ीद ऐसे आगे ट्रैवल वाले व्लॉग्स हैं वो भी आने वाले हैं, और बहुत सारे मज़े के जो कंटेंट है वो आपके लिए मैंने प्लान करके रखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, बाकी जो भी वीडियो देखो उसको लाइक करना है ताकि एल्गोरिथम में हेल्प हो, और शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को शेयर करना, गुड सी ये सब करना है। तो फिलहाल क्या करते हैं कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। तब तक के अपना ही आया कि गम मीठे। As always, तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते क्या? मिलते भैया।